दोस्तों इस स्टोरी के हीरो का नाम है टाइगर, लेकिन वो सिर्फ नाम से टाइगर है, उसके औजार में बिल्कुल दम नहीं है और इसी के ऊपर चलती है हमारी आज की पूरी स्टोरी। टाइगर का औजार काम नहीं करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि वो उसके साथ प्रोग्राम सेट करे, लेकिन टाइगर उसको कुछ ना कुछ गोली दे देता है, बहाने दे देता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को या दुनिया में किसी को भी ये चीज़ पता नहीं है कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसका खड़ा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ टाइगर की माँ ने भी टाइगर को ठीक डंडा दे रखा है कि बेटा शादी कर ले, घर बसा ले जल्दी से, लेकिन उसकी तकलीफ कोई नहीं जानता। तो बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। एक बार होता क्या है कि टाइगर अपने बॉस के साथ ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन बॉस को देख कर उसका एकदम से कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है और वो देखता है कि उसके नीचे तनाव आना शुरू हो चुका है। बेचारा बहुत खुश होता है कि वाओ ये क्या चमत्कार हो गया। वहीं दूसरी तरफ टाइगर की गर्लफ्रेंड सोचती है कि हो सकता है मेरे बॉयफ्रेंड का कहीं और अफेयर हो, इसलिए वो मेरे साथ गपा गप नहीं कर रहा है, या फिर उसमें वो गे है, उसको लड़कियां पसंद नहीं है, लड़के पसंद हैं, शायद तो भी वो मेरे साथ फील नहीं कर पाता। तो ऐसा सोचने लगती है उसकी गर्लफ्रेंड। टाइगर कई डॉक्टरों के पास अपने आप को दिखाने जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ फीमेल डॉक्टर ने तो पूरी तरह से हर तरीके से उसको मतलब तैयार करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता बेचारा। कुछ दिन बाद एक बार फिर से ऑफिस के अंदर उसके साथ वही सीन हो जाता है। थोड़े से मतलब बॉस के साथ जब वो टाइम बिता रहा होता है, वहाँ पे उसमें एकदम से हलचल होना शुरू हो जाती है, वो रेडी होने लगता है। ये देख के वो खुश हो जाता है और सरप्राइज भी कि आखिर ऐसा यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन वो बॉस को देख के हो रहा था। एक साइड तो वो ये भी सोचने लगता है कि शायद उसको फीलिंग्स ही बॉस को देख कर आती हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को देख कर नहीं, बाकी लड़कियों को देख कर नहीं। तो वो क्या करता है, ये फैसला करता है कि वो अपनी बॉस को सब सब सच सच बता देगा और गपागप के लिए मनाएगा या पूछेगा। तो एक बार वो साथ में किसी पार्टी में होते हैं, वहाँ पे वो मौका देखकर अपनी फीलिंग्स अपने बॉस के साथ शेयर करता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर कहीं, लेकिन जब भी वो उनके साथ होता है ऑफिस में तो उसने ये दो बार फील किया है। इस पे बॉस भी एकदम सरप्राइज हो जाती है। पहले तो उसको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बाद में वो टाइगर की परेशानी को समझती है और रेडी हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हम एक होटल में रूम ले लेते हैं और साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब वो होटल में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की एक फ्रेंड उसको देख लेती है अपने बॉस के साथ कमरे में जाते हुए या होटल में जाते हुए। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ बुला लेती है और बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है। गर्लफ्रेंड देखती है कि बॉस और उसका टाइगर दोनों एक ही कमरे से निकल रहे हैं और वो बहुत रोने वहाँ पे लग जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है, मनाता है, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो फाइनली उसको रियलिटी बता देता है कि मेरे साथ ये दिक्कत है और ये चीज़ जो तुम सोच रही हो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इस पे वो भी शॉक्ड हो जाती है, वो और रोने लगती है कि ये क्या दिक्कत है, और वो सारे सबके सामने वहीं पे स्टाफ के सामने लोगों के सामने वहीं पे हाथ डाल के चेक करती है। उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई उसका चेंज नहीं होता, तो वो समझ जाती है कि ये सच बोल रहा है। उसके बाद वो सॉरी बोलती है उसको और बोलती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। फिर वो दोनों बॉस से मिलने जाते हैं तो बॉस भी उसे बताती है कि उस दिन क्या हुआ। तो कमरे में उन्होंने ट्राई तो किया था, लेकिन होटल रूम में भी कुछ नहीं हुआ था उनके बीच, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद कुछ हुआ हो। वो बहुत परेशान हो गया कि आखिर ऑफिस में मुझे दो बार बॉस के साथ फीलिंग आई, लेकिन होटल के रूम में जब मैं उनके साथ एक घंटा था तब कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एकदम से मतलब परेशान थे सारे कि ये हो क्या रहा है। तभी अचानक से बॉस को एक मीटिंग में जाना पड़ जाता है। अब ऑफिस में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड और टाइगर बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के करीब आते हैं और एक बार फिर से उसके अंदर वो फीलिंग्स आने लग जाती हैं। इस बार टाइगर और उसकी गर्लफ्रेंड इस फंडे को समझ गए कि इस जगह में कुछ ऐसी चीज़ है, सिर्फ इसी जगह पे इस ऑफिस के अंदर ही फीलिंग्स आती हैं, इसके बाहर जब भी ये कोशिश करता है तो कुछ भी नहीं होता। तो वो ये समझ चुका था, अब ये चीज़ें वो अपनी बॉस से भी शेयर करता है। तो बॉस भी उनके साथ अब फ्रैंक हो ही चुकी थी। तो कुछ दिन बाद बॉस को अफ्रीका एक मंथ के ट्रिप पर जाना था, तो वो क्या करती है कि उसको वीकेंड्स के लिए फ्राइडे सैटरडे और संडे के लिए ऑफिस दे दिया करती है कि तुम लास्ट के 3 डेज पे वीकेंड्स पे अपने साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो बाहर हम कहीं पे कुछ चीज़ कर नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे माहौल बन जाता है। तो बॉस उनकी इतनी हेल्प कर देती है कि वीकेंड्स पर आकर तुम यहाँ पे मज़े कर सकते हो, और इसी तरह उनकी लाइफ आगे आगे चलने लगती है और इसी के साथ फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी है मेरी एक्सप्लेनेशन तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, ऐसी ही और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।